हाय हाय वे जदों खबरां ची आउंदा तेरा। तो फ्रेंड, जिस तरह का वीडियो अभी आपने देखा है, उस तरह का इंस्टाग्राम रील्स बनाने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से फोटोफोनिया करके एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसको मैं पहले ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है पॉपुलर का, उस पर जाइएगा। फिर यहाँ पर आपको जो पहला वाला ऑप्शन है बिजनेस न्यूज़पेपर, उसमें क्लिक कीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको चूज फोटो का ऑप्शन आएगा। आप चूज फोटो में अगर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन आएगा। आप चाहे तो तुरंत फोटो भी ले सकते हैं टेक फोटो में जाके, या फिर आप जो आपके गैलरी में फोटो है वहां से भी चॉइस कर सकते हैं। तो मैं चॉइस करके लाता हूँ पहले। देखिए, आपका ये फोटो आ जाने के बाद आपको यहाँ पे जो न्यूज़पेपर में फोटोफोनिया लिखा हुआ है उसका फटा के कुछ भी आप लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं या कुछ भी। मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे भी कुछ भी लिखना है लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं जैसे लिख देता हूँ और ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे ओके वाला बटन है उस पर क्लिक कर देना है। अभी ये आपका फोटो बन के रेडी हो रहा है। देखिए, आपका ये पूरा फोटो बन गया है। आपको यहाँ पे क्या करना है, रेगुलर पे क्लिक करना है, यहाँ पर इसको लार्ज कर देना है। फिर ये डाउनलोड वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिए इसको, ठीक है। इतना होने के बाद ऐसे ही सेम आप दूसरी फोटो को भी लगा सकते हैं। मैं दूसरे फोटो को भी जल्दी से लगा देता हूँ, उसके बाद हम लोग दूसरे एप्लीकेशन में चलते हैं, ठीक है। फोटोफोनिया से अगर आपका दूसरा फोटो भी बन जाता है तो उसके बाद आपको ये VN एप्लीकेशन है उसमें आना है। ये भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको अभी ओपन करता हूँ। ये ओपन होने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर प्लस का आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फोटो सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो जो भी फोटो अभी अभी आपने बनाया है फोटोफोनिया से, उन दोनों फोटो को सेलेक्ट करके लेकर के आ जाइए। ये दोनों फोटो सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे ओरिजिनल जो लिखा हुआ है उस पर सेलेक्ट कीजिए। फिर आपको इसका साइज को 9:16 कर देना है, ठीक है। ये होने के बाद आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको आप थोड़ा साइड कर दीजिए, ठीक है, ऐसे साइड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड वाले फोटो में भी जाना है, इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको वापस से सेलेक्ट करने के बाद इसको भी साइड कर दीजिए, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे साइड कर दीजिए, ठीक है, ऐसे कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड दिख रहा है, उसको सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्लस का आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वो वाला फोटो लाना है जो ओरिजिनल फोटो है, जो सबसे पहले वाला फोटो का आपने बनाया था, उस ओरिजिनल फोटो को लेकर के आना। मैं लेकर के आ जाता हूँ। फोटो में जाइए। इतना होने के बाद आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और उसके बाद ये वाला जो फोटो है, जो सेकंड वाले पेपर वाला फोटो है, उस फोटो को लेकर के आना है, ठीक है। मैं वो लेकर के आ जाता हूँ। प्लस पे जाके फोटो पे जाइए, फिर उस वाले फोटो को सेलेक्ट करके लेकर के आ जाइए। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, इसको भी जूम आउट जूम इन कर देना है। इसको मैं पहले जूम आउट कर देता हूँ। जूम पे जाइए, जूम आउट कर दीजिए, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको भी सेट कर सकते हैं। इसको भी मैं पहले तो सेट कर लेता हूँ, थोड़ा इधर ऐसे सेट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको जूम इन कर दीजिए, ओके कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे कोई सा इफेक्ट लगाना पड़ेगा। पहले यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे जाइए और इसमें व्हाइट कलर का इफेक्ट लगा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप नीचे में जाइए, यहाँ पे नीचे में आपको एफएक्स दिख रहा है, एफएक्स में सेलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पे साइड कीजिए, इसको फ्लैश का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कीजिए और इसको यहाँ पे कर दीजिए, इधर पे कर दीजिए, 60 कर दीजिए, ठीक है, करीब। ये होने के बाद इसको ओके कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे इधर पे आना है, लेफ्ट साइड में। फिर यहाँ पे आपको थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है प्लस का आइकन, उस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको उस वीडियो को लेकर के आना है, जिसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा।
ये वाला वीडियो आ जाने के बाद आपको इसको पहले थोड़ा ऐसे किनारे कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाला प्ले करके पहले देखना है कि आपका ये वाला पहला वाला फोटो है वो कब चेंज हो रहा है, ठीक है। ये अभी चेंज हो रहा है, देखिए अभी चेंज हुआ। जब वो चेंज हुआ वहाँ पे आप जाइए, सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद इसके लेंथ को आप यहाँ तक कर दीजिए, ठीक है। पहले वाले फोटो के लेंथ को यहाँ तक कर दीजिए। ये होने के बाद आप यहाँ पे दूसरी बार जाइए, दूसरी बार फोटो आपका कब चेंज हुआ, अभी चेंज हुआ, इसको सेलेक्ट कीजिए, इसके लेंथ को भी यहाँ तक कर दीजिए, ठीक है। ये होने के बाद एक बार प्ले करके देख लीजिए, ठीक है, ये साथ में हो गया है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन आएगा, इसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। आपका ये इस वीडियो का ऑडियो निकल के बाहर आ गया है। अभी आपको क्या करना है, इसका लेंथ को यहाँ तक कर देने का है, ठीक है। आपका वीडियो का लेंथ जितना है उतना आप कर दीजिएगा, ठीक है। उतना होने के बाद आपको क्या करना है, ये वाला जो वीडियो का ये है इसको आप सेलेक्ट कीजिए, इस वीडियो को, और इसको डिलीट कर दीजिए, इसका भी कुछ काम नहीं है। अभी आपका पूरा वीडियो बन गया है करीब, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, पूरा वीडियो बनने के बाद आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन में जाइए, रिसोल्यूशन आप 1080 रखिए, FPS 60 रखिए और इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना।